नमस्कार। केसी वेणुगोपाल जी, जेपी अग्रवाल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी और स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, दूसरे तरीके से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्यारे बब्बर शेर और शेरनिया, भाई और बहनों, इंदौर के युवा, इंदौर की जनता और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज प्रेस को इस साइड लगा रखा है, नमस्कार। अब तकरीबन 80 दिन हो रहे हैं कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर 3,700 किलोमीटर की यात्रा पर चल रहे हैं। जैसे इंदौर ने आज दिखाया, हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, 100 यात्री नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता इस यात्रा में शामिल है और एक साथ चल रही है। और आज मैंने देखा, सबसे पहले इंदौर में कितने, जीतू जी, इंदौर में कितने घंटे चले हम, कितने घंटे इंदौर में कितने घंटे चले हम, आपकी सड़कों पे 8 घंटे चले आज, 8 घंटे नहीं, अभी आप अभी ताली मत बजाइए, ताली बजाने का समय अभी आएगा। मैंने 8 घंटे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, मुझे इंदौर में कोई कचरा नहीं दिखाई दिया। और मैं इसके लिए इंदौर की जनता और इंदौर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और सवाल पूछने पे मुझे बताया गया कि आप लोग 6 बार पुरस्कार जीते हुए हो, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई। इंदौर न्याय का सेंटर है, यह आपका इतिहास है। और आज मुझे आपने सिर्फ सफाई नहीं, आज आपने मुझे भाईचारा दिखाया। इन सड़कों पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुजुर्ग लोग, हर भाषा बोलने के लोग सब चले हैं। और कहीं मुझे नफरत कहीं भी मुझे नहीं दिखी। तो एक प्रकार से ये यात्रा आपकी विचारधारा की यात्रा है। भाई और बहनों, ये यात्रा हमने क्यों शुरू की, इसके 2-3 कारण हैं। हमारा लक्ष्य क्या है,
और हमें यह यात्रा शुरू क्यों करनी पड़ी, ये दो अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमें यह यात्रा शुरू करनी क्यों पड़ी। जैसे आप जानते हो हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। उसमें पार्लियामेंट, विधानसभा, जुडिशरी, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है और एक प्रकार से फेयर प्लेइंग फील्ड बनाई जाती है। हमने लोकसभा में मैंने और सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने एक बार नहीं अनेक बार मुद्दे उठाने की कोशिश की, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों के कर्जे की माफ हो, कर्जा माफ करने की बात हो, काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की। और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। तो हम जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा हम बोलते रहते हैं वहां पे माइक ऑफ हो जाता है। तो वहां से हमने कोशिश की वहां माइक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप यह मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है इनको। ये देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना। मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी,
पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले। मजदूर के आंसू टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले। और यहां पे इंदौर में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल एक सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था। बिना सोचे एक सेकंड में, पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस दो तीन लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। तो अब देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है, देश का सबसे बड़ा नुकसान इन दो पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के युवाओं को करोड़ों रोजगार देते हैं। सही बात, सही बात। अब सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये दो पॉलिसियां लागू की, और इन दो पॉलिसीज से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मैं एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करूंगा, उनको समझ आ जाएगी बात, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया। देखो ऐसे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया, मतलब उनके गले को घोट दिया। क्योंकि अगर छोटे व्यापारी का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले का आप कैश फ्लो बंद कर दो, एक महीना दो महीना बंद कर दो, वहीं का वहीं वो मर जाता है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों का कैश फ्लो एक महीना दो महीना छह महीना एक साल भी बंद कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने का है। और जैसे ही इन्होंने यह काम किया, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, खत्म। आप अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक एक बार फिर ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जब तक इनको फिर से जिंदा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी मदद नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। और ये दो पॉलिसीज हैं
ये देश के विरोध की पॉलिसीज हैं, देश को कमजोर करने की पॉलिसीज हैं। मेरी बात मत मानो। इस भाषण के बाद आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी किसान के पास चले जाओ, किसी भी छोटे बिजनेस और मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ और उससे पूछो। देखो, राहुल गांधी आया था इंदौर, उसने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश का भयंकर नुकसान हुआ है, और जो जवाब वो आपको देगा उस जवाब को आप मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मेरी बात मत मानो, ठीक है? लक्ष्य क्या है मैं बताता हूं। मैं कन्याकुमारी से इंदौर तक चला हूं, 2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर में मैं 8 घंटे और हम सब 8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, दो तीन सवाल पूछते हैं, मगर आपके मन में जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने पिछले 80 दिन में हजारों किसानों से, हजारों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात की है, उनकी दिल की आवाज सुनी है। युवा कहता है, मैं पूछता हूं, भाई एक बात बताओ, बहन एक बात बताओ, क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की। अगला सवाल पूछता हूं, भाई माता पिता ने शिक्षा में कितने पैसे डाले? कहते हैं भाई लाखों रुपए डाले। किस कारण डाले? मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, इसीलिए मेरे माता पिता ने अपना खून पसीना देकर इंजीनियरिंग की डिग्री के पैसे मुझे दिए। बेटा आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं। बेटा आज क्या करते हो? ऊपर चलाता हूं। बेटा आज क्या करते हो? स्विगी की डिलीवरी करता हूं। यह कैसा हिंदुस्तान है? इंजीनियर मजदूरी कर रहा है, किसान मजदूरी कर रहा है, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा वो मजदूरी कर रहा है, तो भैया देखो, मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मनी ट्रांसफर मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के दो तीन अरबपतियों के जेब में डालने का है। हां आप दो कह रहे हो, शायद तीन भी नहीं है, दो हैं। तो अच्छा, मैं सवाल पूछता हूं, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400
आज क्या रेट है? नहीं 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 भैया, ऐसे भी नहीं होता, तीसरे हाथ की जरूरत है। आइए इधर आइए, इधर आइए, एक उंगली उठाइए, ऐसे, मतलब तीन हाथ की जरूरत है, पहले एक हाथ पे दिख जाता था। अच्छा ठीक है, पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50, आज क्या है? 107। तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता? गायब तो नहीं होता ना, कभी नहीं हुआ, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है, और फिर वही पैसा जो आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, और आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, और फिर आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, बीजेपी में जाता है, फिर विधायकों की जेब में जाता है, और सरकार गिरा देता है। करोड़ों रुपए दिए हैं जिस सरकार को आपने चुना, जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना, उस सरकार को बीजेपी ने खरीद कर, उस सरकार के लोगों को खरीदा। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है? अब देखिए, अब दूसरी बात देखिए, अभी हम 8 घंटे चले है ना, 8। अब ये देखिए स्टेज पे लोगों के चेहरे देखिए, देखिए जयराम रमेश जी थोड़ा काम कर रहे हैं, ये देखिए कमलनाथ जी को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वेणुगोपाल जी को देखिए, जीतू को देखिए, ये थके हुए लग रहे हैं क्या? एक नहीं थका है, क्यों? क्योंकि इंदौर ने अपनी मोहब्बत, अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया है। आप मेरा चेहरा देखो, 80 दिन से चल रहा हूं, 2000 किलोमीटर चल ली है, थकान दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं आपको, बात समझ नहीं आ रही मुझे, मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैंने सोचा था, हमारा प्लान था 7 सितंबर को हमारी यात्रा शुरू होगी, और यात्रा में 150 दिन लगेंगे, प्लान यह था। जयराम रमेश जी था ना प्लान? हाँ जी। अब यह यात्रा, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा 120-125 दिन में खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें 130 दिन लगेंगे। तो ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं भैया, मतलब जो कोई यहां पे रनिंग करता है, करते हो ना? मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? नहीं, 42 की मैराथन होती है। हम हर रोज हाफ मैराथन कर रहे हैं, हर रोज, मतलब 40 हाफ मैराथन कर दी हमने, पता नहीं लग रहा। सुबह 4 बजे उठता हूं, ऑटोमेटिकली भैया खटाक दरवाजे के बाहर चलो, और 12 बजे सोता हूं, 3.5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, मैं नहीं सबके सब, 4-5 घंटे सो रहे हैं, यात्रियों में से 5 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सो रहा।
हमें समझ नहीं आ रही बात क्या हो रहा है। मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, कैसे हो सकता है, 80 दिन हो गए, 2000 किलोमीटर हो गए, किसी को कोई थकान नहीं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी यात्री से पूछ लो, 80-90 के किलो के यात्री हैं हमारे, हैवी वेट कांग्रेस वाले, नहीं थक रहे, नहीं थक रहे। तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कि आप हमारी मदद कर रहे हो, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका भरोसा हमें मदद कर रही है। तो इसके लिए दिल से आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो स्वागत किया इंदौर में, बिल्कुल, कितने लोगों से गले मिला हूं मैं, हजारों लोगों से गले मिला हूं, तो इसके लिए आप सबको और इस शहर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब मैं चल रहा था मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं यूएस में यूनिवर्सिटी किया, और यूएस का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां सबसे ज्यादा हवाई जहाज लैंड करते हैं, उसका नाम जानते हो? नहीं, वॉशिंगटन उनका कैपिटल है, हमारी दिल्ली उनका वॉशिंगटन, वॉशिंगटन का एयरपोर्ट बड़ा नहीं है, बॉस्टन कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को बड़े एयरपोर्ट नहीं है, उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट शिकागो का है। अब शिकागो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों है आप जानते हो? क्योंकि शिकागो अमेरिका का लॉजिस्टिक्स का सेंटर है, मतलब जो भी अमेरिका में इस तरफ से उस तरफ जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, वो शिकागो से जाता है, मतलब लॉजिस्टिक्स का हब है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक दिन ऐसा आए जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदौर में हो, और आप इस देश के लॉजिस्टिकल हब बनो, मतलब जो भी माल देश में घूमता है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, उसका मैनेजमेंट आप लोग करो, ये आपका भविष्य है, देख लेना, ये होगा, ये आपका भविष्य है, ये आपका भविष्य है। और जो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस चीज के बारे में आप सोचिए कि जो अमेरिका के लिए शिकागो रोल प्ले करता है, वही हिंदुस्तान के लिए इंदौर रोल प्ले करे। धन्यवाद, जय हिंद।